एक बड़ी कमजोरी आई है, जीपी पेट्रोलियम्स लेट मी चेक, क्रूड के दाम गिरे हैं और शायद उसके चलते इसका असर आया होगा। आज 11.25% की करीब कमजोरी है। पूछ रहे हैं कि 56 रुपए पे अगर मेरे पास है तो क्या करूं। तो देखिए अलेक्स जी, पहली बात तो हम लोग चूंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है कंपनी का, तो ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं अंटिल एंड अनलेस मैं कंपनी के बारे में बहुत डीपली नहीं जानता हूँगा इस मार्केट कैप की, जो कि 224 करोड़ का मार्केट कैप है। और कभी भी जगह अगर आप ऐसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपको बहुत इफ्स एंड बट्स, काफी जैसे कहते हैं ना कि जैसे मतलब मजाक में मैं कह रहा हूँ इनफैक्ट, कि अगर हम सुई भी खरीदते हैं ना तो देखते हैं कि छेद है कि नहीं इसमें, मतलब जो जा सकता है कि नहीं उसमें, जो थ्रेड है वो जा सकता है कि नहीं, तो उस तरह से छोटी चीजों को अगर देखना है तो काफी मतलब आपका ड्यू डिलिजेंस, मेरे कहने का मतलब है, काफी ज्यादा होना चाहिए। और इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं अलेक्स जी, उसमें थोड़ी निराशा डेफिनेटली रही है। अगर कह लें कि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट 6 करोड़ का था, 6 करोड़ का है सितंबर क्वार्टर में, और जून क्वार्टर के रिजल्ट 11.5 करोड़ के हैं, मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 8.5 करोड़ का थे, तो एक डिक्लाइन देखा गया है, दैट टू मतलब काफी सब्सटेंशियल डिक्लाइन है। कंपनी में डेट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है, 15 करोड़ के करीब का डेट है, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं, बट एफिशिएंसी थोड़ी कम है कंपनी की, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लें तो उस लेवल पे भी ये हमारे रडार पे नहीं आता है, क्योंकि हम लोग मिड टीन जो भी नंबर्स आते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह लें, रिटर्न ऑन इक्विटी कह लें या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कह लें, ये सारी चीजें मिड टीन के ऊपर अगर होती है तभी हम रडार में उसको देखते हैं। या दूसरी चीज कि कंपनी का कोई अर्निंग्स आने वाली है, अगर ये मिड टीन में नहीं है, कोई अर्निंग जुड़ जाएगी जिसके कारण ये सारे नंबर अच्छे हो जाएंगे, तब हम उसमें जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने मेरा बहुत ज्यादा इसमें मैंने क्लोजली नहीं देखा, बट नंबर्स थोड़े खराब रहे हैं जिसके कारण की आपको ये देखने को मिल रहा है। अब आपने अगर ऊपरी भाव पे लिया है तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सब्सटेंशियल करेक्शन हो चुका है कंपनी के मतलब स्टॉक प्राइस में, और निचले स्तर पे जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है इसमें वो तकरीबन जो है देख लें बताता हूँ मैं, तकरीबन 42 रुपए के नीचे की क्लोजिंग आएगी, तो हो सकता है कि इस स्टॉक में फिर आपको 2-3 रुपया और गिरे फिर, और निचले स्तरों पे जो बड़े सपोर्ट दिख रहे हैं वो 35 से 30 के बीच में दिख रहे हैं, तो थोड़े नंबर्स से निराशा जरूर है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा, और इससे मैं बहुत ज्यादा डीपली मैंने देखा नहीं है तो कमेंट करना मेरे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा, बट मेरी यही सलाह होगी कि कभी भी आप अगर छोटे कैप की कंपनी लेते हो बहुत ही ठोक बजा के देख के लेना। लेकिन अब करना क्या चाहिए, 56 रुपए पे अगर एंट्री है तो निकल जाना चाहिए। देखिए मतलब मैं कह रहा हूँ 56 रुपए का अगर आज 42-43 रुपए हो गया है तो अलेक्स जी आप पूछ रहे हो बहुत ही नीचे आ जाने पे, तो मैं मुझे लगता है कि 42 रुपया मतलब 40 से 42 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट है, थोड़ा होल्ड कर ले बट एग्जिट ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपना लें। अभी तो एक लगा था, अभी जो बड़ी गिरावट आई है तो एक छोटा बाउंस बैक या कुछ वो मिल सकता है और उसमें निकल जाने में शायद थोड़ा बेहतर रहेगा।